कल 4 सितंबर से पलट जाएगी 8 राशियों की किस्मत। गुरु और शुक्र की बरसेगी कृपा, धन लाभ नौकरी तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। गुरु हो रहे हैं कल 4 सितंबर को वक्री और शुक्र हो रहे हैं मार्गी। इन 8 राशियों की जातकों की कुंडली में गुरु और शुक्र होंगे मजबूत, मिलेगा इन्हें मनचाहा फल। दोस्तों आपको बता दूं कल 4 सितंबर को बेहद अद्भुत दिन है, एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति कल आपकी कुंडली में मजबूत होने जा रहे हैं दोस्तों, जिससे ज्ञान सुख समृद्धि संपन्नता की वृद्धि होगी। कल 4 सितंबर को सोमवार को देवगुरु बृहस्पति शाम को 7:39 पर वक्री हो जाएंगे, जिससे कई राशियों का भाग्य चमक उठेगा। वहीं ये 31 दिसंबर तक इसी पोजिशन में रहने वाले हैं। इसके साथ ही शुक्र जो लग्जरियस लाइफ देते हैं, प्रेम, आकर्षक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, धन दौलत के कारक होते हैं, वो भी कल 4 सितंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे 8 राशियों का भाग्य पलट जाएगा। इन 8 राशि के जातकों में क्या आपकी राशि शामिल है, तो जल्दी से जानिए कि इसमें आपकी भाग्यशाली राशि शामिल है या नहीं। दोस्तों आपका आकस्मिक लाभ, धन लाभ और भाग्य उदय होना तय है। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में। पहले हम उन राशियों के बारे में जानेंगे जो गुरु बृहस्पति से मजबूत होने वाली हैं, लाभवान्वित होने वाली हैं। कर्क राशि, गुरु बृहस्पति का वक्री होना कर्क राशि के जातकों के लिए लाभवान्वित है। कार्यों में सफलता, करियर में वृद्धि, बेरोजगारों के लिए समय काफ़ी बलवान, नौकरी में नए अवसर, पदोन्नति के योग, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता, बिजनेस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा, निवेश में लाभ मिलने के योग हैं, नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। इस समय अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे, अचानक किसी नए शहर के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको गुरु बृहस्पति की कृपा से ज्ञान सुख धन की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि दूसरी भाग्यशाली राशि है। अमला योग बनने से मिथुन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल रहा है। आय में वृद्धि और करियर में उन्नति के प्रबल योग हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। इसके साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अटके रुके सारे काम पूरे होंगे, बिजनेस में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, आय में इजाफा होगा, धन सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं आय के नए नए माध्यम बनेंगे जिससे आप धन कमाएंगे और घर में आपके खुशियां बरकरार रहेंगी। मीन राशि, अमला राजयोग बनने से मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल रहा है। कार्य में सफलता, निवेश करना लाभकारी सिद्ध रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान की ओर से सुखद समाचार आपको मिलेंगे, आय में वृद्धि के योग बनेंगे, व्यापार कारोबार में तरक्की मिलेगी, गुरु बृहस्पति की कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहने वाला है, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर पूरे 118 दिन बनी रहने वाली है। 31 दिसंबर तक आप गुरु बृहस्पति से लाभवान्वित होते। चौथी राशि है सिंह राशि। आप लोगों को गुरु का वक्री होना काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलता दिखाई देगा, नया काम शुरू करने पर सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा के लिए समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है, प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, कामयाबी आपके पास होगी। दोस्तों अमला राजयोग से यात्रा का योग बनेगा, काम कारोबार में लाभ मिल सकता है, संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को इस अवधि में कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके साथ लंबे समय से जितने भी रुके हुए आपके काम थे सिंह राशि के जातकों को, वह पूरे होने वाले हैं, आपकी अटकी हुई मंशा पूरी होने वाली है, भाग्य का भरपूर साथ आप गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से पा सकेंगे। दोस्तों धनु राशि, गुरु का वक्री होना बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है। इस विदेश में आकर जाकर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, आय में वृद्धि के योग बनेंगे, जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें संतान का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधित मामलों में आपको लाभ मिलेगा, गुरु की कृपा से धन में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, नई गाड़ी या फिर नया मकान या प्लॉट खरीद सकते हैं, आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है। वहीं भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कोई मजबूत निर्णय लेने में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। दोस्तों तो ये थी वे भाग्यशाली राशियां जो गुरु बृहस्पति से लाभवान्वित थी। अब करेंगे शुक्र की बात। शुक्र से लाभवान्वित पहली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। शुक्र ग्रह का मार्गी होना जातकों को लाभदायक रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए अटके काम पूरे होंगे, यात्रा के योग बनेंगे, इस अवधि को छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, कार्यों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लग्जरियस लाइफ का अनुभव करेंगे, परिवार में धार्मिक आयोजन होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है,
दाम्पत्य जीवन सुख में रहने वाला है। वृषभ राशि, शुक्र ग्रह सीधी चाल से जातकों को शुभ फल देंगे। इस समय परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, आपको सबकी तरफ से मदद मिलेगी। इस समय आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। यह समय शादीशुदा लोगों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको शुक्र की तरफ से लग्जरियस लाइफ, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मिलने वाली है दोस्तों। अगली राशि है मिथुन राशि। शुक्र ग्रह का मार्गी होना मिथुन राशि के जातकों के लिए वरदान से कम नहीं है। आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा, कार्यों में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, आप कामयाबी के तक पहुंचेंगे, अटके रुके सारे काम पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, उधार फंसा हुआ धन आपको मिलेगा, आय में बढ़ोतरी होगी, धन की सेविंग कर पाएंगे, आपको शेयर बाजार सट्टा लॉटरी में धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बोनस प्रोत्साहन पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे। कन्या राशि, शुक्र का मार्गी होना अनुकूल सिद्ध हो रहा है, भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा, आय में वृद्धि के साथ मिलेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, अटके काम पूरे होंगे, पुराने निवेश से लाभ होगा, वहीं व्यापार में आप कुछ नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा, कम दूरियां की यात्रा अधिक करनी पड़ सकती है जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को और अट्रैक्टिव बनाने पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही आप लग्जरियस लाइफ का अनुभव करेंगे, गाड़ी बंगला फेम इत्यादि आपको मिलने वाला था। ये हैं वे 8 राशियां जिनको लाभान्वित करेंगे शुक्र और गुरु, सदैव आप पर सदैव कृपा बनाए रखें।